दोस्तों आज मैं ना आपको टैंक क्लीन करने का एक इजी मेथड बताता हूँ। आपको नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है और आपको इजी से क्लीन कर सकते हो। जितना बार चाहिए उतना आपको क्लीन करना है। आपको घर में तो सब लोग कहते रहते हैं कि क्लीन करो क्लीन करो, नहीं तो किसी को बुलाओ। अगर बुला लिया तो हज़ारों रुपये देना पड़ेगा। तो अब हज़ारों रुपये नहीं, आपका फ्री में जो बोतल मिलता है ना उससे आप कर सकते हो। एक बोतल लीजिए, उसको ऊपर में कट कर लीजिए, उसके बाद ऐसे साइड में ऐसे ऐसे झाड़ू जैसे कट कर लीजिए। ओके हो गया। ओके इसके बाद एक पाइप ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल पाइप, देखा है ना आपने, ऐसे इलेक्ट्रिकल पाइप को लेके उसके सामने इसको लगा के इसके ऊपर टेप लगा दीजिए दोस्तों। हाँ, जो इंसुलेशन टेप रहता है ना वो इंसुलेशन टेप लेके आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घुमा दीजिए तो ये जाम हो जाएगा। उसको जाम होना पड़ेगा, फ्री नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कुछ ऊपर लगा सकते हैं, कुछ ऐसे वैसे जो चीज़ रहता है ना उसको लगा के इसको जाम कर दीजिए। जाम करके ऊपर टेप से इसको चिपका दीजिए। और पीछे आपको जो होस पाइप रहता है क्लीन करने के लिए, होस पाइप रहता है ना, होस पाइप ले लीजिए। सभी घर में रहता है ये पाइप। यहाँ भी आपको टेप लगाना चाहिए, नहीं तो टाइट है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। टेप लगा दिया मैंने, अब ये आपका ये साधन है ना रेडी हो गया दोस्तों, ये एकदम रेडी है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ क्या करना क्या चाहिए। आप देखिए, आप एक तरफ ना मोड़ लीजिए, ओके, छोटा सा मोड़ लीजिए, मैं करता हूँ। यहाँ पानी डाल दीजिए, वो पानी दूसरे तरफ सब आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। जब आ जाएगा उसको इसे मोड़ लीजिए, हाँ बेंड कर लीजिए उसको, ओके, पानी नहीं निकलना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये बकेट में डालना है, इस एंड को बकेट में डालना है और ये जो बड़ा एंड है ना इसको इसमें डालना है, क्या टैंक में डालना है। हाँ, टैंक में डाल के आपको क्लीन करना है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है, आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। इसके अंदर इतना कचरा भरा पड़ा हुआ है, अब देखिए ये मेरा घर का है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इतना भरा पड़ा हुआ है। अब उधर डाल दिया मैंने, हाँ एक तरफ डाल दिया, दूसरी तरफ छोड़ दिया, तो पानी ना कंटिन्यूसली जाता रहेगा, तो नीचे का जो कचरा रहता है एकदम खींच लेगा। ये देखिए ऑलरेडी जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब जब खींचते रहेंगे तो जहाँ जहाँ खींचेंगे ना वहाँ वहाँ से वो मिट्टी से भी आपको बाहर आ जाएगा। ओके, और एंड में जो काट लिया ना, इसलिए क्या होता है आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वही ब्रश की तरह एक्ट करता है और सब मिट्टी अंदर खींच लेता है दोस्तों। पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, बस आपका 20 मिनट में, हाँ दोस्तों 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा टैंक एकदम क्लीन हो जाएगा। चाहे तो एक काम करिए, दो तीन बार पानी छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से उसको ऐसे ही निकाल दीजिए। दो तीन बार निकाल दिया तो आपका जो टैंक है ना एकदम क्लीन हो जाएगा। 6 महीने में एक बार, हाँ दोस्तों 6 महीने में एक बार ऐसे करना मत भूलना दोस्तों। ओके, एक बार पानी डाल के उसको क्लीन कर दीजिए। आपको इमेज भी दिखा देता हूँ हमारा घर का कैसा हुआ है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया।